कानपुर से बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा को नगर निगम ने नोटिस भेजा है। हाउस टैक्स जमा न करवाने पर हाजी इकबाल सोलंकी को नोटिस भेजा गया है। 1,33,00,000 बाकी हाउस टैक्स और नहीं जमा करने पर कुर्की के लिए नोटिस भेज दिया गया। देखिए 840 लोगों को 30 करोड़ बकाए के नोटिस भेजे गए हैं और इनमें से जो नाम है वो सामने आया सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा का भी, जिनको नगर निगम ने नोटिस भेजा है। हाजी इकबाल सोलंकी को नगर निगम का नोटिस, हाउस टैक्स जमा न करने पर ये नोटिस भेजा गया। 1,33,00,000 हाउस टैक्स बाकी है और अगर जमा नहीं कराया तो कुर्की के लिए नोटिस भेज दिया गया है। 840 लोगों को 30 करोड़ बकाए के नोटिस भेजे गए हैं। बड़ी खबर आप इस वक्त की देख रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी के चाचा को नगर निगम ने नोटिस भेजा है, नोटिस तलब किया है, हाउस टैक्स जल्दी जमा करवाने के निर्देश दिए हैं और अगर टैक्स समय पर जमा नहीं कराया तो फिर कुर्की भी की जा सकती है। हाउस टैक्स जमा न करने पर हाजी इकबाल सोलंकी, जो कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा हैं, उन्हें नोटिस तलब किया गया है। 1,33,00,000 रुपए का हाउस टैक्स बकाया है, जमा नहीं कराया तो कुर्की के लिए नोटिस भेज दिया गया। 840 लोगों को 30 करोड़ बकाया के नोटिस भेजे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 1,33,00,000 के बकाया के नोटिस और कुल मिलाकर जो नोटिस है वो 840 लोगों को भेजे गए हैं जिन्होंने अब तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराया और 30 करोड़ रुपए के ये नोटिस भेजे गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। रतीश, ये बड़ी जानकारी है, इरफान सोलंकी के चाचा को नोटिस भेजा गया, इतना बकाया है और कब तक ये जमा कराने के लिए कहा है नगर निगम ने? देखिए, कानपुर नगर निगम ने 30 करोड़ के 840 बकायेदारों को नोटिस भेजा है जिनका गृहकर नहीं जमा है। उसी में से एक सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा हाजी इकबाल सोलंकी हैं, जिनका 1,33,00,000 रुपए का बकाया है और उसके बाद तयशुदा मियाद के बाद कुर्की का नोटिस दिया गया है कि अगर ये गृहकर नहीं जमा किया जाता है तो उसके बाद घर की कुर्की कर दी जाएगी। पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी अमन तोमर को भी इस तरीके का नोटिस भेजा गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही है उसी कड़ी में देखा जा रहा है कि 1,33,00,000 रुपए का गृहकर अगर नहीं जमा किया गया तो उनके घर की कुर्की कर दी जाएगी। जी धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए रतीश। और देखिए नोटिस भेज दिया गया है और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पुलिस चौकी में शराब पीते 5 होमगार्ड के जवान पकड़े गए। जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मोडिया ने छापा मारा। चौक थाना की शमीना शाह पुलिस चौकी पर छापेमारी की गई। 5 होमगार्ड के जवान को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। होमगार्ड कमांडेंट को बर्खास्तगी के लिए पत्र लिखा गया है। दरअसल लोगों से मिल रही शिकायत के बाद जॉइंट सौंपी गई थी और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। बढ़ते हैं आगे ग्रेटर नोएडा से खबर, पुलिस कस्टडी से फरार राजीव उर्फ राका गिरफ्तार हो गया है। देखिए एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पैर में गोली लगने से घायल होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लापरवाही पर इकोटेक 3 थाना प्रभारी समेत 6 निलंबित कर दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि ग्रेटर नोएडा जोन के इकोटेक 3 थाने से पुलिस कस्टडी से एक आरोपी फरार हुआ, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस को चकमा देकर ये थाने से फरार हुआ था। मुकदमा प्रांत संख्या 185/2016 में एक NBW जारी हुआ था। इस NBW को तामील कराकर जो मुलजिम था राजीव उर्फ राका, उसको गिरफ्तार करके जहां पर वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीम्स का गठन किया गया था और उसको आज उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब गिरफ्तार करके उसको थाने पर लाया जा रहा था तो रास्ते में अग्रेसिव हो गया और उसने एक पुलिसकर्मी से उसकी पिस्टल छीनने का प्रयास किया। इसमें आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चला। और अब खबर देते हैं आपको मुजफ्फरनगर से, जहां भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने मारपीट का आरोप लगाया है। कविता सैनी ने घर में घुसकर गाली गलौज करने के भी आरोप लगाए। सिटी कोतवाली क्षेत्र के खादरवाला का यह मामला बताया जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।